विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं संगीता भट्ट यूट्यूब माध्यम के द्वारा स्टैंडर्ड 8 विषय हिंदी, इसके अंदर लेसन नंबर 8 हंसना मना है। हंसना मना है यानी कि चुटकुले, जोक्स, जिस तरह हम चुटकुले जोक्स उनके द्वारा हास्य विनोद जो प्रकट होता है वह एक व्यायाम का सशक्त अवसर है कि जिसके द्वारा हम हंसने से हमारे शरीर का जो एक तरह का एक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, साथ में एक प्रकार का व्यायाम भी हो जाता है। तो आज इस लेसन के द्वारा हम हास्य यानी कि विनोद प्रकट करने पर यहाँ अलग अलग प्रकार के जोक्स दिए गए हैं। तो आज मैं आपको उनका सविस्तार से मैं चुटकुले आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ हम एक जोक्स के द्वारा कि एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले कि एक जो साहब थे वहाँ पर टैक्सी में कहीं पर जा रहे थे और अपने ड्राइवर से उसने कुछ कहा। क्या कहा? ड्राइवर जरा तेज चलाओ वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। वह साहब अपने ड्राइवर से वह बोल रहे थे कि ड्राइवर जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा, कि जो मेरा पेंटर है चित्रहार है वो निकल जाएगा। अब ड्राइवर ने क्या उत्तर दिया? ड्राइवर ने उसे कहा कि अगर मैं ज्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्र पर ही आ चढ़ जाए। कहने का मतलब कि चित्रहार अगर साथ में बोला जाए तो पेंटर यानी कि जो चित्र करता है उसे चित्रहार कहते हैं, पर यहाँ चित्र और हार को अलग करने से वह उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उनके ऊपर से हास्य प्रकट होता है। तो इस तरह की ड्राइवर ने वर्णन रखते हुए कहा कि अगर मैं गाड़ी ज्यादा तेज चलाऊंगा तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि आपके और मेरे चित्रों पर ही हार चढ़ जाएंगे यानी कि हम दोनों मर जाएंगे। तो इस तरह यहाँ इसके ऊपर से हास्य प्रकट होता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में कई प्रकार के अलग अलग चुटकुले दिए हैं। सबसे पहले दिया है चूहा और हाथी का। चूहा और हाथी के अलग अलग तरीके से यहाँ उनका वर्णन करते हुए चुटकुला दिया है। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लूंगी दो दिन के लिए दोगे? चूहा जो है वहाँ हाथी के पास जाता है और वह कहता है कि हाथी दादा क्या आप दो दिन के लिए आपकी लूंगी मुझे दोगे? हाथी ने उनके उत्तर में क्या कहा? ने कहा कि तुम उसका क्या करोगे, कि तुम मेरी लुंगी लेकर तुम उसका क्या करोगे? उसके उत्तर में चूहे ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है तो उसमें मुझे तंबू लगाना है, कि आप मुझे जो आपकी लुंगी उधार दो दिन के लिए दोगे तो मेरे जो बेटे हैं उनकी शादी में मुझे उनका तंबू लगाना है। तो इस प्रकार इसके चुटकुले से हास्य पैदा होता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चलता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि महीनों चला जाता है फिर भी वह नहाते नहीं है। तब दूसरे जो उसका दोस्त था उसके उत्तर में उसने क्या कहा कि मुझे तो 28 दिन ही खुजली आने लगती है। कहने का मतलब कि वो भी 27 दिन तक तो वो भी नहीं नहाता है, कि वो क्या कहता है कि मुझे तो 28 दिन ही खुजली आने लगती है यानी कि वो भी उनके जैसा ही है कि वो भी नहीं नहाता है। तो इस तरह यहाँ हास्य पैदा होता है। ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है पेस्ट है, कि जो ग्राहक मानता है वो वस्तु तो उसके पास होती ही नहीं है, उसके उत्तर में वो कोई और चीज बताता है। तो यहाँ ग्राहक कहता है कि नहीं
कि भाई मुझे ब्रश नहीं चाहिए। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। कि वो दुकान ग्राहक जो है वह दुकानदार से पाउडर की मांग करता है, तो उसके उत्तर में दुकानदार उसे मना करता है और वो कहता है कि नहीं पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? कि मुझे क्रीम नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई है, मोमबत्ती है। कि टॉर्च नहीं है, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर तो ताला तो होना ही चाहिए, कि ये जो चीज वस्तु आपने जो जो मुझसे कही वो तो मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ताला चाहिए, तो आपके पास है? दुकानदार, है दूँ? कि हाँ है, कि अभी है, आपको दे दूँ? ग्राहक, जी नहीं। उसे अपनी दुकान पर लगाकर घर पर आराम कीजिए, कि आप ऐसा करो कि वो ताला अपनी दुकान पर लगा दो और आप घर पर आराम भी करो, कि जो जो चीज वस्तु की मैं मांग कर रहा हूँ वो तो आपके पास है ही नहीं, और उसके बदले दूसरे दूसरे चीज के बारे में आप बता रहे थे, तो इससे अच्छा है कि ताला अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम करो। चुन्नू कहता है कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? चुन्नू जो है वह मुन्नू यानी कि अपने दोस्त से कहता है कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ क्या पाया जाता है, तो उसके उत्तर में मुन्नू ने कहा कि छाता पाया जाता है, क्योंकि बारिश आती है तो सब लोग छाता लेकर घर से निकल पड़ते हैं, तो उसके उत्तर में उसने छाता आंसर दिया। पर ज्यादातर बारिश होती है तो कादव कीचड़ उसकी बात हो रही थी, पर यहाँ उसके उत्तर में उसने छाता ऐसा कहा। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तीन दोस्त जो थे वह आपस में बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे कि अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि हम तीनों लखपति हो जाए तो हम क्या करेंगे। तब एक जो पहला दोस्त था उसने क्या कहा कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। उसमें से जो पहला था उसने कहा कि भाई मैं तो लखपति बन जाऊंगा, तो मैं तो ऐसा करूंगा कि सीधा पेरिस घूमने के लिए चला जाऊंगा और वहां जाकर खूब मजे करूंगा। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं किसी लाभकार कारोबार में अपने रुपए लगा दूंगा। कि दूसरे ने सोचकर उत्तर दिया कि भाई मैं ऐसे घूमने फिरने में ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करूंगा, उसके बदले मैं तो किसी अच्छे कारोबार में मैं अपने रुपए लगा दूंगा कि जिसके कारण मुझे मुनाफा हो। तब जो तीसरा जो दोस्त था वह उन दोनों दोस्त से उसने कुछ अलग रखा कि जिसमें से हास्य हो, ऐसा उसने उत्तर दिया। तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं, यानी कि जब लखपति में से मैं करोड़पति न बन जाऊं तब तक मैं ऐसे स्वप्न ही देखता रहूंगा। तो इस प्रकार तीसरे दोस्त ने उत्तर दिया कि मैं तो सोने की ही कोशिश करूंगा और इतना सोऊंगा कि जब तक मैं लखपति से करोड़पति न बन जाऊं। भूतकाल और वर्तमान की बात यहाँ एक जो दादा अपने पोते से कहता है कि भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल से तुम क्या समझते हो? दादा जो है वह अपने पोते से कहते हैं कि भाई भूतकाल क्या होता है, वर्तमान क्या काल क्या होता है और भविष्य काल के बारे में। ये जो व्याकरण के अंदर काल के प्रकार है तो उसके अंदर ये तीनों प्रकार की समझ अपने दादा जो है अपने पोते से कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तब जो पोता है थोड़ा शरारती था तो उसने अपने उत्तर में कहा कि जी कि मेरे दादाजी यानी कि आप कि मेरे दादाजी भूत यानी कि आप भूत बन गए और मेरे पिताजी वह वर्तमान काल और मैं उनका भविष्य हूँ। तो आप समझ रहे हो कि उनका भविष्य कैसा होगा कि मेरे दादाजी भूत यानी कि आप तो भूत बन गए और मेरे पिताजी वर्तमान काल और मैं
हो यानी कि अब जिसका भविष्य ऐसा हो वो कैसा होगा। तो इस प्रकार यहाँ चुटकुले से हास्य पैदा होता है। रेल किराए के बारे में कहा है कि एक प्रश्न है, तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है कि इतना ज्यादा रेल किराया इतना बढ़ गया है, तो यात्रियों को कम जाना चाहिए बाहर, उसके बदले और भी बाहर जाते हैं। और इसका कारण क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा यात्री बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, इसके बदले क्या कि उसका कोई कारण तो होगा नहीं इतना ज्यादा किराया होने पर भी। तब उसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी से यात्रा कर ली जाए कि अगला साल जब बदलेगा तो और भी ज्यादा किराया हो जाएगा, और भी ज्यादा किराया बढ़ जाने से अच्छा है कि अभी से यात्रा कर ली जाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अभी से यात्रा शुरू कर देते हैं। शिक्षक ने सभी छात्रों को कहा, अब एक पाठशाला के अंदर शिक्षक सभी छात्रों को कुछ ड्राइंग कैसे बनाने के लिए कहते हैं। शिक्षक ने इस प्रकार सभी छात्रों को एक सूचना दी कि सभी लोगों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र अपनी कॉपी के अंदर चित्र बना रहे थे। सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर वह घास खाती हुई गाय का चित्र बना रहे थे। उसमें से एक कल्पेश नामक जो छात्र था उसने अपना पन्ना कोरा ही छोड़ दिया। तब शिक्षक वहां जाकर वह कल्पेश से कहते हैं कि कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। उसने उल्टा पूछा कि शिक्षक ने कल्पेश को कहा कि मैंने कहा था कि घास खाती हुई गाय का चित्र बनाना है, तुमने तो अपना पन्ना ऐसे ही कोरा छोड़ दिया है। इसलिए शिक्षक ने कल्पेश को कहा कि इसमें घास कहाँ है। कल्पेश ने कहा घास को तो गाय खा गई, कि जो घास है उसको तो गाय खा गई। तो शिक्षक ने कहा कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि इसमें से गाय कहाँ है, कि घास है तो गाय खा गई तो गाय कहाँ है। कल्पेश ने कहा वो तो घास खाकर चली गई, यानी कि मैंने घास भी यहाँ पे आपने जो ड्राइंग करने के लिए कहा था तो मुझे घास भी नहीं आता है और गाय भी ड्रॉ करना नहीं आती है। तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया कि घास को तो गाय खाकर चली गई, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो इस प्रकार यहाँ आशय होता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ दूसरा भी दिया है चुन्नू और मुन्नू का कि मम्मी से ज्यादा, चुन्नू क्या कहता है कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का ज्यादा पसंद है। तो मुन्नू कहता है कि ऐसा क्यों, तब क्योंकि पापा जो है वह हर एक चाटे के बाद मुझे 5 रुपये देते हैं, जबकि मम्मी मुझे कुछ नहीं देती। कि जब भी पापा मुझे चाटा मारते हैं तो उसके बाद मुझे 5 रुपये मिलते हैं, इसीलिए मुझे पापा का चाटा ज्यादा पसंद है। तो इस प्रकार चुन्नू और मुन्नू के इस प्रकार चुटकुले के द्वारा हमें हास्य मिलता है। तो अलग अलग तरह से यहाँ दिए हैं, उसमें यहाँ गुजराती के अंदर भी यहाँ चुटकुला जो दिया है कि रमेश नामक जो एक व्यक्ति है वह कहता है कि आगे जिंदगी करता तो मौत सारी, कि मने तो हमें आगे जिंदगी गमती जी नहीं, कहवानो मतलब कि आना करता तो मने मौत मड़ी जाए तो सारी। अपने दिवस में कितनी वक्त और बोलिए छे ने कि हे भगवान आना करता तो वो मरी जाओ तो सारी। अचानक यम बता दिया रमेश नामक व्यक्ति की बात सांभळी अने अचानक यमदूत आवी गया अने बोल्या तारो जीव लेवा माटे आव्यो छुं, कि मने ऊपरथी एवो आदेश मळेलो छे એટલે હું તારો જીવ લેવા માટે આવ્યો છું। રમેશે શું કહ્યું કે લો બોલો કે હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે, કે હું તો મજાક કરતો હતો અને સાચે જ યમદૂતે મારી વાત સાંભળી લીધી અને આવી પણ ગયા મને લેવા માટે। તો એ પ્રકાર એટલે હવે આના પરથી એવું નક્કી થાય
नहीं करी शकी है। ब्रिजेशभाई बस में उभा था अने एक मुसाफरी कर रहा था। ब्रिजेशभाई नामक जो व्यक्ति है एने कही बाहर जवो से तो ए बस में उभा उभा मुसाफरी कर रहा था। एक मुसाफरे तेने बेसवा माटे जगह आपी कि भाई ए उभा छे तो एने बेसवा माटे जगह करी आपी। तो तेना जवाब में ब्रिजेशभाई कह्यु कि मारे बेसवू नथी, मारे तो खूब ज उतावळ छे। कहेवानो मतलब कि भाई मारे बेसवू नथी कारण के मारे बहु जल्दी छे, उतावळ छे। पण बस तो ज्यारे जे स्पीडमां ચાલતી હશે એ સ્પીડમાં આવવાની છે, જ્યારે તેનું સ્ટેશન આવશે ત્યારે જ રોકાવાની છે। પણ બ્રિજેશભાઈએ આવી રીતે જવાબ આપી અને હાસ્યા પેદા કર્યું। તો ઇસ તરહ ઇસકે અંદર હાસ્ય સે જો હમારે અંદર જો એક વ્યાયામ હોતી હૈ ઓર ઉસસે હમારા મન હંમેશા ખુશ રહેતા હૈ તો ઇસ પ્રકાર હમેં હંમેશા હાસ્ય અપને જીવન કે અંદર બનાએ રખના ચાહીએ। अस्तु, हमने पहले लेसन नंबर 8 चुटकुले हंसना मना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब लेसन नंबर 9 उलझन सुलझन। उलझन सुलझन यानी पहेलिया की पहेलिया पूछने पर उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो यहाँ विविध प्रकार की पहेलिया दी गई है। सबसे पहले पहेलिया बुझाना एक कला है कि पहेलियों को जो बुझा देता है तो वह उसके अंदर एक छिपी हुई कला होती है और पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति जो है वह विकसित होती है। साथ में पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है कि उससे हमारी तर्क शक्ति जो होती है उसका विकास होता है। यहाँ 1 से 7 तक की अलग अलग प्रकार की पहेलियाँ है तो उसे हमें गुजारनी है। सबसे पहली जो पहेली है एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता छाया में मुरझाता। एक जो फूल है उनका कलर दिया है कि वह काले रंग का है और वह हमेशा अपने सिर के ऊपर रहता है। साथ में तेज धूप हो या तो वर्षा हो वो हमेशा हमारे साथ यानी कि वह हमेशा हमारे साथ रहता है। तो ऐसे कौन सी बात है तो उसके उत्तर में छाता जैसा उसका उत्तर आता है कि जो छाता है उनका रंग काले रंग का होता है, वह वर्षा और धूप के अंदर भी काम में आता है और हमेशा हमारे सर के ऊपर रहता है जिसे हमें उसका डंडा ऐसे पकड़कर हमारे सर के ऊपर वह सुहाता है यानी कि हमेशा हमारे ऊपर वह छाया देता है। तो इस प्रकार उसके उत्तर में हम छाता कह सकते हैं। चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की कहानी, 32 सिपाही घेरे रहते तन मन मेरा पानी पानी। चोर भी नहीं और डाकू भी नहीं कि एक यहाँ पहेली दी है कि वह चोर भी नहीं है और डाकू भी नहीं है और वह रानी भी कहीं की नहीं है। चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी है, 32 सिपाही फिर भी उस तरह के रहते हैं कि उसके आसपास 32 सिपाही घेरे रहते हैं तो वह कौन होगा तो उसके उत्तर में जी भाएगा कि उनका तन मन पानी पानी की इतनी देखभाल करने वाले आसपास 32 सिपाही है। तो जो हमारी जीवा यानी कि जीव जो है तो उसके आसपास 32 सिपाही रहता है यानी कि दांत, हमारे 32 जो दांत है उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का कि मेरा जो नाम है वह 3 अक्षर का है और मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ। खाने में आता हूँ काम कि मैं खाने में उपयोग में आता हूँ और बच्चों मेरा नाम बोलो कि वह मैं कौन हूँ कि मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, 3 अक्षर का मेरा नाम है और खाने में भी मैं काम आता हूँ तो
नमक, वह खाने में काम आता है। वह समुद्र के अंदर, वह जो पानी है ये उसके अंदर वह नमक, यानी कि समुद्र के किनारे नमक बनता है, तो उनके उत्तर में आएगा नमक। आदि कटे तो दशरथ सुत होता। आदि यानी कि पहला, कि पहला निकाल दो अक्षर तो मैं दशरथ का सुत, दशरथ जो राजा है उसका सुत यानी कि कौन होगा, राम। आदि कटे तो दशरथ सुत यानी कि राम। मध्य कटे तो आ, अब बीच वाला जो अक्षर है वो काट दो तो उससे शब्द बनता है आम। अंत कटे तो काटू लकड़ी, और अंत वाला शब्द जो निकाल दो तो वह लकड़ी कटने का एक साधन होता है जिसे हम कहते हैं आरा। तो उस प्रकार कि आदि कटे तो दशरथ सुत यानी कि राम बन गया, मध्य कटे तो आम बन गया, और अंत कटे तो लकड़ी काटने का एक साधन यानी कि आरा। तो बोलो मेरा नाम, अब सबको साथ में मिलाने से आराम, तो एक शब्द बन जाता है आराम। तो इस पहले का उत्तर होगा आराम। पहले नंबर 5, दो सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, कि दो ऐसी सखी सहेली है, वो दोनों चंचल है, कभी अपनी फाटक खोलती है और कभी बंद कर देती है, इस प्रकार अपनी चंचलता दिखाती है। सो जाए तो सपने देखे, जब वो दोनों सखी सो जाती है तो अलग अलग प्रकार के सपने देखने लगती है। हंसे खुशी में दुख में रोले, जब ज्यादा हंस लेती है तो भी उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, और जब वह रो लेती है फिर भी उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, तो उसके उत्तर में आएगा आंख। कि जब आंखें दोनों सखिया यानी कि हमारी जो दोनों आंखें है वह दोनों सखिया है, दोनों चंचल, कभी अपनी आंखें बंद कर देते हैं, कभी पल जैसे कि पलक झपकाते हैं, तो इस तरह अपनी फाटक खोलते हैं और बंद कर देते हैं। जब हम बहुत ज्यादा हंसते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, और रोने पर भी हमारी आंखों में से आंसू बहते हैं। तो इस पहले के उत्तर में आंख ऐसा उत्तर आएगा। दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है। देखो इस पहले के अंदर उसके जो पहेली है उसके अंदर भी उनका उत्तर छिपा है। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं है, नौ है पर दस नहीं है, रोजी है पर रोटी नहीं है। तो इस प्रकार सबके एक एक शब्द ले लो, दादा है पर दादी नहीं है यानी दादा शब्द आ गया, फिर भाई है पर बहन नहीं है तो भाई शब्द ले लो, नौ है पर दस नहीं है तो नौ शब्द ले लो, और रोजी है पर रोटी नहीं है तो रोजी शब्द ले लो। अब सबका पहला पहला शब्द जो है वह लेने पर एक पूरा शब्द बन जाता है, दादा भाई नौ रोजी, तो हो गया। तो इस प्रकार इस पहेली के अंदर उनका उत्तर भी छिपा हुआ था। तो यह जो सारी थी अलग अलग प्रकार की पहेलियां, प्रकार हमने अलग अलग पहेलियां भी पूछी और उसके उत्तर भी हमने समझ लिए। अब हम उनके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ दिया है सीरा, मस्तिष्क, यानी कि हमारे सिर पर सदा सुहा था, ऐसा पहले के अंदर शब्द आया था, तो मस्तिष्क। सुत, पुत्र, दशरथ सुत बन जाओ यानी कि सुत यानी पुत्र। तट, किनारा, समुद्र तट के, समुद्र किनारे पर रहना है, इस प्रकार पहले के अंदर ये शब्द पूछे गए थे। आदि यानी प्रारंभ, पहला शब्द, कि आदि कटे तो, आदि यानी कि प्रारंभ, पहला, प्रथम जिसे कहते हैं। तो अलग अलग पहेलियों ने यहाँ अलग अलग शब्दार्थ दिए थे। तो इस प्रकार हमने शब्दार्थ की जानकारी प्राप्त कर ली। आप लोगों को इस उलझन सुलझन के द्वारा अलग अलग पहेलियों के द्वारा हमने काफी कुछ
का प्रयत्न किया और आपको मजा भी आया होगा। अस्तु।